तेज स्पीड में चलते हुए अगर अचानक से हाईवे पर गाड़ी का टायर फट जाए तो सोचिए उसके बाद क्या होगा, वो भी जब पूरा परिवार गाड़ी के अंदर भरा हुआ हो। तो ऐसा ही एक हादसा श्रावस्ती जनपद के कोना में आज दोपहर को हुआ है, जहां पर कुछ लोग एक पुरानी जायलो गाड़ी बुक करा करके दरगाह मेला बहराइच को जा रहे थे। जैसे ही ये लोग श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र में तहसील के पास पहुँचते हैं, वैसे ही अचानक से पिछला पहिया जो है पिछला टायर फट जाता है और उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है। गनीमत रही कि नेशनल हाईवे था, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था, लेकिन ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया। गनीमत रही कि डिवाइडर से जा कर के गाड़ी टकराई है और लगभग सभी लोगों की जान बच गई है। एक वृद्ध महिला इसके अंदर, जिनका नाम राबिया बताया जाता है, ये जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर के रहने वाले हैं। तुलसीपुर में गढ़िया गांव पड़ता है, वहाँ के लोग हैं, ज़ियारत के लिए दरगाह शरीफ मेला जा रहे थे। इकौना तहसील के पास में नत्थापुरवा गांव के पास में जैसे पहुँचे हैं, पिछला पहिया जो है पिछला टायर फटा है और उसके बाद में गाड़ी अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकराई है। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा है, दौड़ करके आसपास के लोगों ने सभी लोगों को बाहर निकाला है। एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र तकरीबन 55-65 साल है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इनको जिला अस्पताल बलरामपुर के लिए कोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफ़र किया गया है। गाड़ी के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, महिलाएं थीं, गनीमत रही कि सबकी जान बच गई है। ज़रूरी यह है दोस्तों कि आप लोग अगर कोई गाड़ी बुक कराएं तो आप लोग ये